मम्मी क्या कर रही हो? कुछ नहीं यार, एग बनाया ना, डॉक्टर ने बोला एग खाने के लिए। ओ माय गॉड, तो और ये चटनी है और नाश्ते। और ये देखो आप, ये आप देखो डांस करने लग गया पानी। मोनी ने पूरे 4 से 5 मिनट मेहनत करने के बाद ना आखिर मक्खन निकाल लिया, देखो। और ये देखो भाई, मक्खन का कलर देखो, बिल्कुल मस्त है ना। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग नवीन पहाड़ी ब्लॉग्स। तो अभी आप देख रहे होंगे कि भाई मैं सुबह सुबह ना आज 5:30 बजे उठ गया था, क्योंकि मुझे कुछ वीडियोस को एडिट करना था और वो कंप्लीट हो चुका है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। और अभी आप यार देखो कि ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है और कुछ काम हमें बहुत जरूरी आज खत्म करने हैं, क्योंकि जैसा आप जानते होंगे कि पापा गए हैं कुछ दिन के लिए गाँव, और जहां पर हमारा घर बन रहा ना, वो सारी जिम्मेदारी अभी मुझे देखनी पड़ रही है और साथ ही साथ में अपना काम भी मुझे देखना पड़ रहा है। तो यार ज्यादा बर्डन है मेरे ऊपर। और इसके अलावा हमें बहुत सारी चीजें खरीद कर भी लेके आनी है, जैसे पाइप हो गया। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि हम क्या क्या चीज लेके जाएंगे प्लॉट पे, तो ब्लॉग पर बने रहे। तो अभी यार दोस्तों, हमने अपने पीसी जो कंप्यूटर है बंद कर दिया है और अभी देखते हैं कि मोनी करके आ रही है। तो यहाँ पर तो वाह वाह जी वाह, तुम बैठी हो है, क्या कर रही हो, फोन चला रही हो क्या? नहीं, एक्चुअली मैं अपने योगा वाले चैनल के मोस्ट पॉपुलर व्यूज चेक कर रही थी, तो मेरे काफी सारी वीडियोस ऐसी हैं जिसमें मिलियन के अलावा लाखों में रैंक है। वाह जी वाह। तो ये है गाइस मोनी का यूट्यूब चैनल योगा वाले, आप देख सकते हैं कि इसमें एक वीडियो पे है 1.2 मिलियन, 7.5 लाख, 4.5 लाख, 2.5 लाख, वाह अच्छे व्यूज है ना। ये हमारी मेहनत है। और ये मोनिका चैनल है योगा वाले, तो वो देख रही थी और देख रही थी कि आखिर हमारा चैनल करना पड़ता है। हाँ, चैनल चल कैसा रहा है, और साथ में कमेंट्स कमेंट्स भी का भी रिप्लाई टाइम टू टाइम करने पड़ते हैं, वरना हमारे जो सब्सक्राइबर है गुस्सा भी हो जाते हैं काफी बार की मैडम आप तो कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हो, ये वो। तो चलो तुम कमेंट का रिप्लाई करो और मैं जाता हूँ प्लॉट पे। जा रहे आज कहाँ पे? घी बनाने, घी बनाने वो बाद में बनाएंगे, अभी यार मेरे को ना, हाँ पहले पाइप वाइप देके आता हूँ, वहाँ पे नया पाइप खरीदना है। हाँ। तो खरीद तो लिया हमने, बट वहाँ लेके जाना है प्लॉट पे, क्योंकि पुराना पाइप इन्होंने फाड़ दिया पूरा, है ना। अच्छा, तो तब तक तुम कुछ बना लो। आज मैं ये सोच रही थी कि जैसे मम्मी ने सिखा रखा था ना सासू माने के घी कैसे बनाते हैं देसी स्टाइल में, तो वैसे हम शॉर्टकट तरीके से आज आपको दिखाएंगे किस तरीके से मलाई हम 2 से 3 मिनट के अंदर निकाल सकते हैं, मलाई का घी निकाल सकते हैं और इतनी मस्त बनती है। चलो अब बाद में दिखाएंगे पक्का, तो अभी मैं चलता हूँ, ठीक है बाय, तब मिलते हैं। तो अभी यार देखो कि यहाँ पर ना गाइस, ये देखो, ये मैं कल शाम को पाइप खरीद के लेके आ गया था पूरा बंडल, क्योंकि यार लेबर्स जो हमारे यहाँ काम करते हैं ना, लोग बहुत ज़्यादा लापरवाह होते हैं, वो खींच खींच के ना पाइप पूरा फट जाता है। और यहाँ पर भी कुछ सामान है, तो इसको मुझे लेके जाना है प्लॉट पे। इसके अलावा यार पहले निकाल लेता हूँ कपड़े, सुबह सुबह मैंने मशीन लगा दी थी इसको धोने पे, तो अभी यहाँ से कपड़े निकाल लेते हैं फटाफट से और फिर ले चलेंगे कपड़े को सुखाने छत में। तो अभी यार मैंने कपड़े ना सुखाने डाल दिए हैं और अभी मोनी कह रही कि भैया जा रहे हो ना तो नाश्ता करके जाओ, तो चलते अब नीचे। अभी देखते हैं भाई मोनी ने नाश्ता रेडी किया नहीं किया। मोनी क्या कर रही हो? कुछ नहीं यार, एग बनाया ना, डॉक्टर ने बोला एग खाने के लिए। ओ माय गॉड, तो और ये चटनी है और नाश्ता हमारा बड़ा मस्त बना है। तो चलो यार फटाफट से जो ना नाश्ता कर लेते हैं, चोट भी लगा रहे हैं, और फिर मिलते हैं आपको। तो अभी यार दोस्तों हमने नाश्ता तो कर लिया और हमने ना पाइप अपना रख लिया स्कूटी पे, इसको लेके जा रहे हैं प्लॉट पे और इसको पहले पूरा सेटअप करते हैं वहाँ पे। तो अभी यार गाइस मैंने ना लड़के को लल्टू उसको दे दिया पाइप, और अभी देखो कंडीशन क्या है पाइप की, ये देखो पूरा ना पाइप फट गया यार, देखो पूरी पाइप की ना बिल्कुल बुरी हालत हो गई है, और खींच खींच के ना ये पाइप पूरा फट जाता, देखो आप हर तरफ से। अभी इसको निकालना पड़ेगा, पहले मोटर इसने बंद कर दिया लल्टू ने, अभी ये ना पाइप को खोलेगा, तो पहले उसने तार निकाल ऊपर जो है ना, हाँ पहले इसको पूरा खोल ले, है ना, उसके बाद ये लगाना। तो अभी यार नया पाइप मैंने लगा दिया यहाँ पर, बहुत मेहनत लगी यार इसको ना सेट करने में, टाइट करने में, और यहाँ पर 3 क्लिप हमने लगाई है टाइट करने के लिए। और ये है पाइप का पूरा बंडल, और यहाँ से करते हैं इसको ऑन और देखते हैं भाई कि क्या होता है। तो ये देखो आप कि बड़ा अच्छा प्रेशर आ रहा पानी का, और यहाँ पर लीकेज भी थोड़ी बहुत कर रहा है, हल्का फुल्का तो करेगा यहाँ पे। और ये देखो आप, ये आप देखो डांस करने लग गया पानी। तो अब मैं कर लेता हूँ इसको बंद, और इस पाइप को हम पूरा अंदर तक लेके जाते हैं और इसको करते हैं क्लोज। तो अभी गाइस बज रहे हैं दिन के 12, और अभी आप देखो कि मोनी ना क्या कर रही है, मोनी खाने की कर रही है, मोनी तैयारी, और साथ ही साथ में देखो भाई खाने की तैयारी करते करते ना क्या कर रही है, ये देखो भाई टीवी पे अपने ही ब्लॉग देख रही है, क्योंकि आपकी तरह ना इसको मोनी को भी ब्लॉग देखना अच्छा लगता है, अपने ही ब्लॉग। और ये देखो यार
कि अभी व्लॉग चल ही रहे हैं। आप लोग बहुत प्यार देते हो यार, बड़ा अच्छा लगता है। कमेंट करके बताओ यार गाइस कि आप कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं। अभी दोस्तों बज रहे हैं शाम के 5 और देखते हैं कि अभी मोनी करके आ रही है। क्या कर रही है मोनी? अरे हमने मलाई जमा करी थी ना, तो अब हम इसका घी निकालेंगे। अच्छा, तो फिर ये मम्मी ने टेक्निक बताई थी गाँव में कि किस तरीके से हम मतलब अपने हाथों से देसी स्टाइल में घी निकाल सकते हैं, मतलब मक्खन निकाल सकते हैं। तो हम ट्राई करते हैं किस तरीके से ये होगा। तो अभी गाइज कुछ बात ऐसी है ना कि यहाँ पर जो आपको मलाई का मलाई दिख रही है, बहुत सारी मलाई है और इसमें है गुनगुना पानी। और मम्मी ने ना गांव में मोनी को बताया था कि कैसे हम जो है मलाई से दूध को जब गर्म करते हैं ना, गर्म करने के बाद, ठंडा करने के बाद जो मलाई लगती है ना, उसको निकाल के इकट्ठा करना होता है 8-10 दिन का। और उसके बाद देखो मोनी ने इसको यहाँ पर डाला और उसके बाद हल्का गुनगुना पानी इसमें मिक्स किया। अब क्या कर रही हो? फेंट रही हूँ, अब इसी से मक्खन निकलेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और देखो भाई ये बड़ी ना मस्त टेक्निक है। और कितनी देर करना पड़ता है ये प्रोसेस? यार जब मैंने पिछली बार किया था तो मेरे को 2 मिनट भी नहीं लगे थे, अब देखते हैं इस बार कितना लगता है। तो यार देखते हैं कि अभी मोनी ना इसको फेंट रही है, यानी कि मिक्स कर रही है। और लोगों को दिखाते रहो ताकि उन्हें पता चले कि सच में कितना टाइम लगता है। काफी लोगों को ये भी लगता है ना कि कहीं कैमरे में कट कर दिया फिर दोबारा। नहीं कोई नहीं, खैर ब्लॉग ज्यादा लंबा हो जाएगा गाइस। अभी देखो मोनी फेंट रही है, देखते हैं कि आखिर ये कब तक जो है रूप लेगा अपने जो मक्खन का निकलने वाला। तो अभी तो ये मलाई है और बिल्कुल तेज करो गिर ना जाए। मेरा पेट हिल रहा है। हाथ थक जाता है वैसे ना? हाथ थकता है? थकता है, ज्यादा देर करने से थकता है। तो यार मैंने पिछली बार ना ठंडा पानी डाला था, इस बार तुम्हारे बोलने पे गर्म डाल रहा है। हाँ मम्मी बोलती ना गर्म पानी से जल्दी निकलता है। और सबसे कमाल की बात गाइस कि पहाड़ों में हमारे उत्तराखंड में पहले ऐसे नहीं, बल्कि दूध जमा कर दही, दूध का दही बनाकर और दही बहुत सार 10 से 15 किलो करके उसको ना हम लोग लकड़ी का एक बर्तन बनता था पहले, जिसको हम गढ़वाली भाषा में बोलते परेड़ा। और परेड़ा को दीवार पे लकड़ी में बांध के फिर खींचते थे और फेंटना होता था। बड़ी बड़ा टेस्टी यार, बड़ी टेस्टी मक्खन बनता था। और साथ ही साथ में भाई मट्ठा भी बहुत बढ़िया बनती थी, छाछ जिसको हम लोग बोलते हैं है? हाँ बहुत मजा आता था मोनी। हमारे यहाँ पे तो जैसे एक बैम्बू है ना, उसमें क्या कहते हैं वो, हाँ हाँ उसी की वही सेम प्रोसेस वही है। तो अभी चलो इसको प्रोसेस मोनी को करने दो, फिलहाल देखते हैं कि कब तक ये कम्प्लीट हो पाता है। तो यार दोस्तों अभी आप देखो कि मोनी ने पूरे 4 से 5 मिनट मेहनत करने के बाद ना आखिर मक्खन निकाल लिया। देखो और ये देखो भाई मक्खन का कलर देखो, बिल्कुल मस्त है ना। ये होती है टेक्निक। इस बार बहुत टाइम लग गया मोनी, पिछली बार 2 मिनट लगे थे, इस बार 5 मिनट लगे हैं। तो यार इसीलिए देखिए कितना बढ़िया मक्खन बना है। और अभी अगर इसका घी बनाना है तो इसको ना पकाना पड़ता है, गलाना पड़ता है। तो इसको कम से कम 5 से 7 मिनट कम आंच में अगर हम पकाएंगे अच्छे से तो इसका घी बन जाएगा। तो ये देखो घी बनाओगी इसका अभी ये बाद में बनाओगी? घी तो बनाना ही है यार, अब देखते हैं। और ये देखो यार देखो कितना प्यारा मक्खन है, देखो भाई मजा आ गया देख के ना। और आप कमेंट करके यार जरूर बताना गाइस कि क्या आपको ये टेक्निक मालूम थी और आप कौन कौन सी टेक्निक से निकालते हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताना। बिल्कुल। तो यार देखो सबसे बढ़िया बात ये ना कि दूध थोड़ी थोड़ी डेली दूध का मलाई निकाल के इस तरीके से हम मक्खन तैयार कर सकते हैं। अभी मोनी ना यहाँ पर मक्खन को कर चुकी है पूरा मेल्ट, यानी कि गर्म करके यहाँ पर देखो कढ़ाई पे। और यहाँ पर ना पूरा का पूरा ये घी बन चुका है, तैयार हो चुका है मक्खन से। तो अभी बस इसको छन्नी से छन्ना बाकी है। और यार इस तरीके से मलाई का ना घी बन चुका है और मस्त तरीके से, और मजा आ गया भाई देख के। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कॉमेंट करके गाइज जरूर बताएं।